नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूँ आपकी दोस्त अनुप्रिया और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैंने कुछ एक दो सिल्वर ज्वेलरी मंगवाई थी जो कि अमेजोन से मंगवाई थी। मैं पहले बता देती हूँ, अमेजोन पे जो सिल्वर ज्वेलरी है 92.5 हॉलमार्क ज्वेलरी है और दो टॉप रेटेड जो ब्रांड्स हैं वो कर रहे हैं। एक तो जिनकी एड आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक या अपने चैनल पर, मतलब अपने टीवी पर देखी होगी, जो कि अनुष्का शर्मा या फिर नेहा कक्कड़ को देखा होगा, गीवा ब्रांड। ये सिल्वर ज्वेलरी ब्रांड है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये शायद नॉर्मल आर्टिफिशियल ज्वेलरी या फिर ईडी की ज्वेलरी सेल करते हैं, वो भी इतने एक्सपेंसिव रेट पे, पर नहीं, ये 92.5 सिल्वर ज्वेलरी देते हैं। और दूसरा ब्रांड जो है वो आपने सिर्फ अमेजोन पे देखा होगा, अमेजोन या मिंत्रा या फिर फ्लिपकार्ट पे, जो कि है क्लारा 92.5 सिल्वर हॉलमार्क ज्वेलरी। तो ये दोनों के दोनों ब्रांड्स मैंने ट्राई किए क्योंकि मुझे लेनी थी। और बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम जाने का आलस कर देते हैं या फिर एक तरीके की इन्वेस्टमेंट के लिए हम करते हैं, और एट द सेम टाइम फैशनेबल होनी चाहिए, जो कि आपको नॉर्मल नियर बाय ज्वेलर के पास नहीं मिलेगी। मैंने बहुत बार गीवा के ऐसे ऐसे नेकलेस वगैरह देखे हैं जो आर्टिफिशियल से इंस्पायर्ड हैं, पर जब मैं वो लेने जाती हूँ ज्वेलर के पास तो उसके पास वो नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने ये ट्राई किया, मैंने कहा कि एक बार मंगवा के देखते हैं। मैंने बहुत सारे और रिव्यू वीडियोस देखे थे गीवा के ऊपर, लेकिन कालरा ब्रांड के ऊपर कोई रिव्यू वीडियो नहीं था, तो इसलिए मैं आज कंपेरिजन वीडियो लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसमें दो गीवा के दो मंगवाए थे, एक ये नेकलेस है और दूसरा इयररिंग्स है। इयररिंग्स मैंने गिफ्ट कर दी है और नेकलेस मैंने खुद के लिए रखा है। इसमें प्रिंट प्राइस जो है वो गीवा का, यहाँ पर नेकलेस का जो है वो ओरिजिनल प्राइस जो है वो 3000 रुपीज है, 299 रुपीज, और इयररिंग्स का प्राइस कुछ 2500 के अराउंड वहां पर प्रिंट प्राइस लिखा हुआ था। लेकिन अभी मेरे पास नेकलेस है तो हम नेकलेस की बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं नेकलेस का बता देती हूँ, मुझे डिस्काउंट में ये अमेजोन पे आपको कुछ अराउंड 1300 के अराउंड मिलेगा। पैकेजिंग वाइज मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा, 1300 के अराउंड कार्डबोर्ड पैकेजिंग है जिसके ऊपर यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी लिखा हुआ है, ट्रिपल ए ग्रेड है, क्वालिटी है, 92.5% सिल्वर ज्वेलरी है, यानी 95% आपको ज्वेलरी प्योर मिलने वाली है सिल्वर की। जैसे कि गोल्ड में 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट होता है, वैसे इसमें 92.5 मीन्स बहुत अच्छी ज्वेलरी जो कि हॉलमार्क में होती है। हॉलमार्क का मतलब कि आप अगर इन फ्यूचर से सेल करना चाहते हैं तो इसी रेट के ऊपर आप सेल कर सकते, मतलब इसी क्वालिटी के ऊपर आप सेल कर सकते हैं। तो ये सर्टिफिकेट आपको संभाल के रखना चाहिए, और इसके ऊपर एक कोट लिखा हुआ है, सनशाइन लेट्स शाइन टुगेदर। तो ये मुझे अच्छा लगा कोट, क्योंकि आपको थोड़ा सा ऐसे अच्छा फील कराता है। तो यहाँ पर एक्सप्रेस यूर सेल्फ और हॉलमार्क सिल्वर ज्वेलरी ऐसा लिखा हुआ है। ये वेलवेट पाउच है, जब हम इसे ओपन करते हैं तो इस तरीके का, नीचे भी वेलवेट है और ब्लैक कलर का वेलवेट है ताकि सिल्वर इसके ऊपर शाइन करे। तो ये नेकलेस बहुत ज्यादा बेस्ट सेलिंग में आ रहा था। ये पतली सी चीज है जिसके ऊपर स्टड्स लगे हुए हैं, यानी जो नग लगे हुए हैं वो है, नग बिल्कुल भी चुभते नहीं है। बहुत सारे नग ऐसे होते हैं जो चुभना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये पहना हुआ बहुत एलिगेंट लगता है। लेंथ वाइज भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, आप इसे चोकर बना सकते हैं, लंबा बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है कि इसके अंदर आपको तीन डिफरेंट डिजाइन मिल जाते हैं, यानी 2 लेयर नेकलेस भी मिलता है इसमें, यहाँ इमेज में डाल दूंगी, और 3 लेयर नेकलेस भी मिलता है, लेकिन प्राइस उस हिसाब से एक्सपेंसिव हो जाता है। इसके अंदर ये जो नग लगे हुए हैं इनकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, शाइन करते हैं, अगर आप कहीं पार्टी वगैरह में जा रहे हैं तो काफी ज्यादा अच्छा और स्टाइलिश लगता है। और ये डिजाइन मुझे ऐसा लगा जो कि नॉर्मली टीन एज से लेकर मिडल एज तक हर कोई इसे कैरी कर सकता है, फैशनेबल है, इंडियन वेयर वेस्टर्न वेयर पे बहुत एलिगेंटली ये काम करने वाला है। पीछे भी आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, मतलब एक कोट मिल जाता है, थैंक यू फॉर शॉपिंग विद गीवा, काइंडली रिव्यू ऑन अमेजोन, और ये लिखा हुआ है, और नीचे इसको एक मतलब इसको क्लीन करने के लिए कपड़ा मिल जाता है, जैसे कि हमें नॉर्मल स्पेक्स वगैरह को क्लीन करने के लिए मिलता है। इसके साथ आपको ये जिपलॉक बैग मिल जाता है। जिपलॉक बैग जो है ये इसलिए दिया जाता है ताकि आप इसके अंदर अपनी ज्वेलरी को स्टोर करके रखें, ठीक है। मुझे ये काफी ज्यादा अच्छा और एलिगेंट पीस लगा, ठीक है। यहाँ पर ये बात तो हो गई गीवा की। इसके साथ साथ मैंने जो इयररिंग्स लिए थे वो कुछ अराउंड 1200 1200 1250 के अराउंड थे, और वो इयररिंग्स में यहाँ इमेज डाल
डाल दूंगी, बहुत एलिगेंट है, लॉक के साथ आता है जैसे कि गोल्ड का लॉक होता है, बिल्कुल वैसे है। आप आराम से उसे कैरी कर सकते हैं, जिस तरीके की मैंने ये इयररिंग्स पहने हुए हैं ये बिल्कुल वैसे हैं, बस नीचे आपको इस तरीके का राउंड में डैंगलर मिल जाता है जो इसकी लुक को और ज्यादा एनहेंस कर देता है। यहाँ आपको इमेज मिल जाएगी, सेम पैकेजिंग सब कुछ सेम है, लेकिन उसके अंदर जो डायमंड्स लगे हुए हैं वो बहुत ज्यादा शाइन करते हैं और बहुत प्यारा पीस लगता है मुझे। जिस हिसाब से मैं प्राइस पे कर रही हूँ उस हिसाब से मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हूँ इयररिंग्स के साथ। नेक्स्ट बारी आती है कानरा ब्रांड की हॉलमार्क सिल्वर ज्वेलरी की। इसकी पैकेजिंग मुझे अच्छी लगी, जैसे कि आप ज्वेलर के पास जाते हैं और ज्वेलर आपको एक लेदर का बॉक्स देता है, बिल्कुल वैसे पैकेजिंग है, मैग्नेटिक बॉक्स है, तो इसे पता लगता है कि हाँ हमने प्योर सिल्वर ज्वेलरी परचेज की है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक बॉक्स के साथ साथ आपको सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी में मिलता है, जिसके ऊपर सेम जैसे गीवा का लिखा हुआ था बिल्कुल वैसे लिखा हुआ है हॉलमार्क। और एक आपको कार्ड मिलता है थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस, यहाँ पर टीम कालरा HK ज्वेलर्स की तरफ से आता है। और इसके अंदर ये इनका इंस्टाग्राम पेज और इनका ऑफर्स के लिए आपको स्कैन कोड मिल जाता है, और उसके साथ साथ फ्लिपकार्ट अमेजोन कालरा.in मिंत्रा और टाटा क्लिक और नाइका फैशंस पे इस ब्रांड अवेलेबल है। मुझे यहाँ पर ये चीज अच्छी लगी कि यहाँ पर अमेजोन पे आपको रिटर्न एक्सचेंज पॉलिसी मिलती है। अब यहाँ पर इमेज मैं दे दूंगी, मैंने पूरा सेट मंगवाया है, ये मैंने गिफ्टिंग के लिए मंगवाया है, लेकिन आप चाहें तो इसे सिंगल सिंगल भी मंगवा सकते हैं, लेकिन सिंगल आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। जैसे कि ये इयररिंग्स है, ये आपको नेकलेस पीस है जो कि लंबा है, लेंथ है, पेंडेंट भी थोड़ा हैवी है एज कंपेरिजन टू गीवा, ये थोड़ा हैवी पीस है, तो ये 1800 में मिल रहा है। मुझे गीवा थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा इसके कंपेरिजन में, शायद उसके अंदर जो नग लगे हुए हैं उनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, तभी उन्होंने उस हिसाब से उसका प्राइस रखा, क्योंकि लेदर बॉक्स तो नहीं है, उसके अलावा वो बॉक्स कार्डबोर्ड का मिल रहा है। और आपको ये जो पीस मिल रहा है काफी एलिगेंट है, इसका लेंथ काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन ये मिडल एज के लोगों के लिए ठीक है, जो मैरिड है या न्यूली वेड है उनके लिए अच्छा लगेगा, मैं टीनेजर को ये रिकमेंड नहीं करूंगी, उनके लिए फैशनेबल है ये पीस। और ये तनिष्क के मंगलसूत्र से थोड़ा सा मिलता जुलता लगता है, पर अच्छा पीस है, मतलब अगर आप मैरिड हैं या फिर आप ऑफिस गोइंग है तो ये डेफिनेटली ट्राई कीजिए। इसके साथ इसके जो इयररिंग्स है वो मुझे थोड़े से छोटे लगे, पर इसका जो लॉक है वो भी सिल्वर का है, तो शायद उस हिसाब से इसका प्राइस जो है वो उस हिसाब से एक्सपेंसिव है, मतलब 1200 के अराउंड है। 1200 के जो इयररिंग्स मैंने गीवा के लिए थे उनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी थी। अगर आप दोनों अलग अलग लेते हैं तो आपको इसका प्राइस कुछ अराउंड 3100-3200 के अराउंड पड़ेगा, लेकिन अगर आप दोनों सेट लेते हैं तो शायद आप एज अ सेट इसे लेते हैं तो ये कुछ अराउंड आपको 2700 के अराउंड पड़ेगा, जिस जो कि टोटली वर्थ है, मतलब ऑब्वियसली शायद वो इसलिए अलग अलग बॉक्स का या सर्टिफिकेट का चार्ज आपसे एक्स्ट्रा ले रहे हैं। ये बहुत अच्छा और एलिगेंट पीस है, टोटली वर्थ द प्राइस है, दोनों अपनी अपनी जगह बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अगर मुझे बोला जाए कि दोनों में से मुझे कौन सा लेना चाहिए तो मैं एज पर फैशन और डिजाइन के लिए गीवा को चूज करूंगी, और अगर मुझे मतलब अगर मुझे मिडल एज के लिए अपने लिए लेना है तो मैं ये कालरा के डिजाइन ज्यादा प्रेफर करूंगी। तो दोनों अपनी जगह पे हैं और दोनों की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, आप दोनों ही परचेज कर सकते हैं। दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक कमेंट एंड शेयर, कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर कोई आप खरीद चुके हैं और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है वो भी मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिख भीजिएगा। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, इंस्टाग्राम आईडी अनुप्रिया अरोड़ा ब्लॉग्स। मिलते हैं फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।